नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर, मैंने पैर बोला, सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए महाराष्ट्र के वर्धा जिले अंतर्गत आने वाले सिंधी मेघे इस गांव का एक प्यारा सा विहार, जिस विहार का नाम है जय भीम बुद्ध विहार, जो आता है जय भीम चौक में ही। तो दर्शकों, देर किस बात की, विहार में मैं आ चुका हूँ और आइए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, इस वक्त सारे उपासक उपासिकाएं विहार में आ चुके हैं और अब जैसे कि विहार में हम जब आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। Thank you.
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और अब वक्त है बिहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए बिहार समिति से हम जानते हैं किस तरह बिहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। जय भीम। मैं रमेश मांगेलाल जी डांगे सिंधी ने के वर्धाहित राहतो। वडिलाच्या स्मृति पित्यर्थ ही जागा दान देण्याचं ठरवलं तेव्हा माझ्याकडे दोन व्यक्ती आले आणि तुम्ही बा त्रैलोक्य महासंघाला जागा दान देणार होते, तर काय झालं तर म्हणून मला विचारणा केली तेव्हा मी म्हटलं की जेव्हा केव्हा मग दान मागाल तुम्ही, मी तुमच्या नावे दान करून देईल। त्यानंतर भंते सुरई ससाईजीच्या नावे मी ही जागा दान केली आहे। जय भीम। मी पुंडलिकराव गाडगे। आमचे बौद्ध जय भीम बौद्ध विहार ही सर्वांचीच मालमत्ता आहे। सर्व लोकांनी मिळून वर्गणी देऊन एवढी आम्ही बिल्डिंग तयार केली। यानंतर आम्ही या विहारामध्ये सगळ महापुरुषांचे जयंतीचा कार्यक्रम करतो, वर्षवासाचा कार्यक्रम करतो। एवढंच नसून सकाळ संध्याकाळ इथे रोज आमचे उपासक उपासिका व बालक बालिका येतात आणि बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना एवढंच नसून ग्रंथाचं पठन सुद्धा होते। हे पूर्ण कार्यक्रम आम्ही या विहारातून राबवतो। जय भीम। मी मनीष पंचमराव धावणे। मी जय भीम बुद्धविहार बांधकाम कमिटीचा अध्यक्ष आहो। या विहाराची निर्मिती पूर्ण झाली पण जे बरेचसे कामं आपल्या या विहारात अजून व्हायचे आहे ते म्हणजे आपल्या विहाराचं सौंदर्यीकरण आणि वॉल कंपाऊंड हे आमच्या समोरचं प्लॅनिंग आहे। आणि या विहारामध्ये एक लहान म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालयाची निर्मिती करायची आहे। आपला ज्या समाजातला जो गरीब वर्ग आहे, मुलं आहे, त्यांना या हॉलमध्ये ह्या विहाराच्या हॉलमध्ये फ्री टीचिंग आमचं हे समोरचं उद्देश आहे। आणि भविष्यामध्ये जे गरीब लोक आहे त्याचं गरीबाचा एखादी छोटा मोठा कार्यक्रम ह्या विहाराच्या हॉलमध्ये झाला पाहिजे, हे आमचे उद्देश आहे। दर्शको, अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है जो आपको पसंद है और आपका इंतजार कर रहा है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है, वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। सबको सर बुला, सबने पैर पकड़े हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए एक प्यारी सी बोध कथा। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया सा मकान होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, बावजूद उसके वो काफी परेशान होता है। उसे वो घर पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि मैं कहीं और जाकर रहूं तो शायद बेहतर है। ये सोचकर वो अपने मित्र को बुलाता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, बोले यार मेरा ये मकान जो है इसे बिकवा दो, बोले मैं शहर आकर रहना चाहता हूं। तो उसका मित्र कहता है कि इतना बढ़िया मकान है, इतना अच्छा सब है, ये छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले सब यहाँ पे आसपास में इतने पेड़ है, उसके सब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सब घरों में आते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती है, ये पहाड़ है यहाँ पर, ये भी जब यहाँ पे बर्फ जमा होती है तो तकलीफ होती है, ठंड बढ़ जाती है, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बोले। तो उसका मित्र मुस्कुरा जाता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि ठीक है, बोले तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करता हूँ। दूसरे दिन यह व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में एक घर का विज्ञापन इसे नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि एक शानदार घर के मालिक बनिए जहाँ पर रोज ताजी हवाएं आपको मिलेगी, पहाड़ों की सौंधी सौंधी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको मिलेगी, पहाड़ों का नजारा मिलेगा और नदी भी मिलेगी। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था ये तो वही है, वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ये वही घर था जिस घर में इतने सालों से वह व्यक्ति रह रहा था। और उसे पता चलता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था उसी तरह के घर में तो मैं रह रहा हूं, फिर कमी क्या है? और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। होता यह है कि हम सिर्फ अपनी ही नजर से अपनी जिंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मेरी ये नौकरी सही नहीं है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूं ये सही नहीं है,
मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की सोच के साथ अपने आप को देखें तो पता चलेगा कि हम कई और लोगों से बेहतर हैं। उन लोगों से जिंदगी हमारी कई गुना बेहतर है जिन लोगों को हम सोचते हैं कि इनकी जिंदगी बेहतर है, लेकिन अगर हम उनकी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी जो इस वक्त हम जी रहे हैं वो कितनी बेहतर है। तो बस सकारात्मक सोच बनाए रखें, यही मंगल कामना है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो बिल्कुल इंतजार न करें, ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सअप के जरिए आप हमें अच्छी अच्छी कथाएं भेजें, लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। दर्शकों, मैदान फिर सज गया है हमेशा की तरह, और सारे उपासक उपासिकाएं मौजूद है गेम खेलने के लिए। ये वर्धा का पहला विहार है जो अपना विहार अपनी आवाज में हम आपको दिखा रहे हैं, और ये गेम भी हम पहली बार यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन गेम तो वही है जो इतने एपिसोड से आप देख रहे हैं, वही गेम जो सबको प्यारा लगता है, सबको अपना लगता है, और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इसके पहले कि शुरू करें, सबसे पहले गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। दर्शकों, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच इन्हें मैं हाथ पैर नाक कान सर इसमें से एक चीज को छूने के लिए कहूंगा, उन्हें वो खुद के शरीर की चीज को छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले मेरे साथ कर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है क्या होने वाला है, लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनमें उत्सुकता है कि क्या होगा, और इनको भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं भीम का दीवाना। इसके पहले कि शुरू करें, हमेशा की तरह एक ट्रायल हम ले लेते हैं। सर को हाथ लगाएं, धीरे से दोनों हाथ से लगाना है साहब, नीचे करें। दर्शकों, आपने देखा है, भली देर से किया है लेकिन सबने करके दिखाया है, इसका मतलब सारे लोग नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखना यह है कि हमारा गेम शुरू होने के बाद क्या ये लोग नॉर्मल रह पाते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं गेम भीम का दीवाना। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर, सबको सर बुला, सबने पैर पकड़े हैं। सर बोला, सबने पैर पकड़ा। वही हो गया, यही भी वही हुआ है जो होता आया है। उपासक उपासिका है क्या, सब सबको मैंने कहा सर पकड़ी और सबने अपना पैर पकड़ लिया। यहां पर भी वही हुआ जो हमेशा हर विहार में होता है, जब हम जय भीम कहते हैं दर्शकों तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती है, पता ही नहीं चलता सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है। इन सब से मैंने सर के पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने पैर पकड़ लिए। तो दर्शकों, आज भी हमें अपना कोई विनर नहीं मिला है, और मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हाँ,
मैं तो हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी जिम्मेदारी का काम मिले तो उसे टालने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं। उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को बखूबी निभाते हैं और ऐसे ही लोग महान कार्य करते हैं। तो आप भी प्रतिकूल स्थिति में भी न डगमगाए, न कभी आलस्य करें, तब आप जिंदगी के शिखर को, कामयाबी को जरूर छू सकते हैं। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विकास अपनी आवाज। सुमित्रा धवने कौन से वर्ष में हुआ था? 1851। दर्शकों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ सवाल जवाब के लिए तैयार हैं। आप देखना ये कि मेरे सवालों के जवाब यहाँ मिल पाते हैं या नहीं। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना ये सवाल जवाब का सिलसिला। तो मेरा पहला सवाल ये है, देश की पहली लड़कियों की स्कूल किसने शुरू की थी और कौन से वर्ष में की थी? कौन से, बोलिए मत प्लीज, कौन से वर्ष में की गई थी? कौन से वर्ष में की गई थी? सिर्फ हाथ ऊपर करें जिसको जवाब पता है। मेरा नाम सुमन कांबळे। बताए कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? 1931 साली पुणेला सुरत की। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप आ जाए सर यहाँ पर, अपना परिचय दे। मनीष पुसाटे। बताए सर कि पहली स्कूल कौन से वर्ष में शुरू? 1 जनवरी 1848 पूना में शुरू की। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां आपके लिए। और आपके लिए हमारे तरफ से एक छोटी भेंट है, और ये भेंट देने के लिए हमारे यहाँ के ही प्रतिनिधि मिलिन आंडे साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इन्हें ये भेंट वस्तु दे। ये किताब है बुद्ध और उनका धम्म, आपको हमारी तरफ से भेंट है। तो ये पहले सवाल का जवाब हमें देर से मिला पर मिल गया है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ इनसे मैं। बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? जन्मदिन पता है, महीना पता है, तारीख पता है, वर्ष कौन सा था कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। एक आजी भाई यहाँ का हाथ ऊपर हुआ है, तो हम पहले इनसे पूछते हैं। बताए पहले अपना परिचय दें। सुमित्रा धवने। कौन से वर्ष में हुआ था? 1851। बिल्कुल सही जवाब है भाई, जोरदार तालियां। फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मिलिन जी आप यहां पर आए और इन्हें भी ये तोहफा दें, ये आपको हमारे तरफ से छोटी सी भेंट। दूसरा भी जवाब सही आ गया है और लगाने की ये जवाब दे पाएंगे इसलिए मैंने इनसे पूछा था, और एकदम सही जवाब इन्होंने दिया है। अब मेरा अंतिम सवाल है, बाबा साहब ने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, मुंबई में ये सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, कौन बता सकता है? सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना बाबा साहब ने मुंबई में हमारे लिए की थी, वो कौन से वर्ष में की गई थी? अंतिम सवाल मेरा, कौन बता सकता है इसका जवाब? कोई हाथ ऊपर नहीं हुआ है दर्शकों, तो चलिए इसका जवाब मैं ही आपको बता दूं। 1946 में ये स्थापना की गई थी सिद्धार्थ कॉलेज की। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था,
हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने और इसी आदेश का पालन करने हेतु हर विहार में हम शपथ लेते हैं। आपसे विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर जरूर करेंगे। साथ ही साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को मजबूत बनाने के लिए आप इसे नियमित तौर पर देखें, औरों को भी प्रेरित करें। साथ ही साथ इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अपने घर परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार का प्रसंग का एक विज्ञापन भी अगर आप आवाज़ इंडिया टीवी में वर्ष में एक बार भी देते हैं, तो आप चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को एक विज्ञापन देकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस विहार में विज्ञापन देकर चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊ, मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर महीने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाओ। आवाज इंडिया टीवी ला मी जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पार पाडलेले आहे, आपण सुद्धा जाहिरात द्यावी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। मी डॉक्टर जितेंद्र कांबळे, आवाज इंडिया टीवी ला मी जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केलेले आहे, आपण सुद्धा सर्वांनी करावे। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? मैंने आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, हम चाहते आप भी अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, आपण सुद्धा पूर्ण करावं अशी अपेक्षा। जय भीम। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। Thank you.
तो दर्शकों ऐसा है जय भीम बुद्ध विहार जो आता है जय भीम चौक सिंधी मेघे जिला वर्धा महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई विहार है बिल्कुल देर ना करना, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर विहार की पूरी जानकारी लिखकर हमें भेजिए, हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का। और सारे विहारों का लुत्फ आप उठा सकते हैं यूट्यूब पर सारे विहार आपको मिलेंगे। सिर्फ अपना विहार अपनी आवाज़ और जो विहार आपको देखना है उस विहार का नाम टाइप कीजिए, सारे विहार आपको नजर आ जाएंगे। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, मुझे विक्रम को दीजिए कैमरा पर्सन सुमित जी के साथ इजाजत। मिलेंगे नई जगह नए विहार पे, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। और हाँ, देखते रहे क्या, अपना विहार अपनी आवाज़। पकड़ी पर पैर बोला कान पकड़े रे सबने भाई।